नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। कुरुक्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए खुल चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए अब खोल दिए गए हैं। अब उत्तर भारत के लोगों को आंध्र प्रदेश जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में पूजा अर्चना कर मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम DDT ट्रस्ट द्वारा बनाए गए तिरुपति बालाजी मंदिर का लोकार्पण कर लोगों को समर्पित कर दिया। लोकार्पण अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्म सरोवर के निकट श्री तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर DDT द्वारा बनाया गया आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह हूबहू उसकी स्थापना की गई है। बिल्कुल देखने में तिरुपति बालाजी जैसा ही नज़र आएगा और वैसी ही हूबहू प्रतिमा भी इसमें स्थापित की गई है। इस मंदिर के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से 5.52 एकड़ जमीन ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए दी है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु के साथ साथ दो अन्य मंदिर भी बनाए जाएंगे। इस मंदिर के प्रोजेक्ट पर 34 करोड़ रुपए का खर्च जाएगा, जिसमें अब तक 18 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के साथ साथ अपना धार्मिक परचम भी लहराएगी। आप देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। लीज पर दी है, कुल मिलाकर इस स्थान के ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। अभी जिसमें से 18 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आंध्र प्रदेश के एक प्रकार के सब लोगों की देखरेख में ये मंदिर की स्थापना हुई है। यह 1500 टन पत्थर ये तृष्णापल्ली त्रिची तमिलनाडु से लाया गया है और एक बहुत ही उम्दा किस्म का ये स्थान बना है। उत्तर भारत के कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के मंदिर होने से यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और एक प्रकार से समाज के लिए बहुत ही उत्तम ये स्थान है। मैं संस्थानम का अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के स्थान का यहाँ निर्माण पर्यटन जैसा कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, उस क्रम में इस मंदिर के स्थापना होने के बाद उसमें और बढ़ोतरी होगी और उसमें तेजी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र, धार्मिक एक केंद्र, इस प्रकार से इसकी मान्यता वो बढ़ेगी। थैंक